आज हम बना रहे हैं करेला, वर्मा करेला। इसके लिए करेले चाहिए 1/2 kg, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर और सौंफ, अमचूर पाउडर, क्रश करा हुआ अदरक और हरी मिर्च, जो उसका छिलका उतारा हुआ करेले का, और 4 प्याज मिक्सी में पीसे हुए, और ऑयल। हमने पैन में मस्टर्ड ऑयल ले लिया, सरसों के तेल में अच्छा बनता है, सरसों का तेल ले लिया 2 स्पून। अभी उसका पहले मसाला बनाएंगे, उसके लिए हम सौंफ डालेंगे, करेले में सौंफ बहुत अच्छी लगती है। 1 स्पून सौंफ डालेंगे। उसके बाद जो हमने जो करेला उसको छीला है, उसका जो छिलका ऐसे उतार लिया, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, तो परवा नहीं लगता है। अभी हमारा करेले जो ऐसे हो गया, बिल्कुल हल्का इसका कलर चेंज हो गया। अच्छे से भूनना है इसको। अभी ये इसके अंदर 4 प्याज हमने पीसे, मिक्सी के अंदर दरदरे से पीस ले, इसमें डाल देंगे और अच्छे से ब्राउन करेंगे। अब हमारा प्याज है हल्का सा ब्राउन हो गया, इसका पानी बिल्कुल सूख गया, और इसके अंदर 2-3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का पीस हमने इसको क्रश कर लिया, थोड़ा सा ऐसे इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छे से मसाला भूनना चाहिए। अभी इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1/2 स्पून, स्वाद के साथ डाल देना जैसा स्वाद के साथ, और 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा स्पून सौंफ पाउडर, इसके टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, 1 छोटा स्पून धनिया पाउडर और 1/2 स्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गर्म मसाला 1/2 स्पून, 1 बड़ा स्पून अमचूर पाउडर। इसके आप अंदर कच्ची कैरी भी आप काट के उसको ग्रेट करके डाल सकते हो। अभी इसको अच्छे से भून लेंगे, इसके बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो करेले फिर जल्दी से खराब हो जाते हैं। ऐसे अच्छे से भूनोगे तो 1 हफ्ता तक टिक जाते हैं करेले, खराब नहीं होते। हमारा करेले का मसाला एकदम रेडी हो चुका है, इसको हम उतार के ठंडा कर लेंगे। अभी हमने दूसरे पैन में 1 कप जितना तेल डाला है उसके अंदर, अभी उसके अंदर हम करेले फ्राई करेंगे। जो करेले हमने अच्छे से इसको थोड़ा सा थोड़ा छिलका उतार के, फिर उसको नमक लगा के इसको 2-3 घंटे रखा, उसके बाद अच्छे से पानी से धो के और कपड़े से पोंछ लिया इसको। अभी इसको इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा ना, इसके अंदर डाल देंगे सारे करेले। हमारे करेले ऐसे हल्के हल्के ब्राउन चुके हैं, हम उल्ट पुलट के इसको कर रहे हैं ब्राउन, दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ऐसे ऐसे जैसे वाला हो गया जी, सारे करेले ऐसे कर लेंगे। हमने गैस को स्लो पे रखा हुआ है। हमारे सारे करेले ऐसे ब्राउन हो चुके हैं, इसको ज़्यादा कड़क नहीं करना है, ऐसे ब्राउन करना, ऊपर से अंदर सॉफ्ट रखना है। अब इसके अंदर हम जो मसाला, इसको ठंडे हो चुके हैं, इसके अंदर मसाला भर देंगे जो हमने बनाया है, ऐसे करके इसके अंदर भर देंगे 1 स्पून। तो करेले 7 दिन तक खराब नहीं होते, फ्रिज में रखोगे तो बाहर भी 2-3 दिन टिक जाते हैं, जर्नी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं करेले। सारे करेले ऐसे भर लेंगे, हमने सारे करेले ऐसे भर लिए। अब इसको हमने सारा तेल निकाल दिया इसके अंदर से, अब 1-2 मिनट इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा करेंगे, नीचे से अच्छे और से पक जाएंगे अच्छे से, थोड़ा बस कच्चे रहेंगे तो और पक जाएंगे अच्छे से, मसाला भी इसके अंदर अच्छे से रस जाएगा। अब इसको कवर करके 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना।